हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। देखिए दोस्तों, आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ गया हूँ डेली करंट अफेयर्स के अंतर्गत 27 अप्रैल के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस, जो कि सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे, पीएससी। और आजकल सभी गवर्नमेंट एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ, आप वहाँ से जाकर ज्वाइन कर लीजिए जल्दी से, जिससे आपको पीडीएफ फाइल मिल जाए। और दोस्तों, वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर कर दें, और जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट करें सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, प्रारंभ करते हैं आज के वीडियो बिना देर किए हुए। आज की वीडियो का पहला सवाल है, हाल ही में पराग्वे के नए राष्ट्रपति कौन बने? तो दोस्तों, हाल ही में पराग्वे के नए राष्ट्रपति मारियो अब्दो बेंजिट बने हैं। देखिए दोस्तों, जो मारियो अब्दो बेंजिट है, पराग्वे में आयोजित राष्ट्रपति चुनाव जीता है। वह सत्तारूढ़ कोलोराडो पार्टी से संबंधित, ठीक है, किससे? कोलोराडो पार्टी से। उन्होंने 46.5% वोट प्राप्त किए। देखिए, प्रामाणिक रेडिकल लिबरल पार्टी के एफ्रेन एलेग्रो को 42.7 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर आए। और मारियो अब्दो बेंजिट का जो 5 वर्षीय कार्यकाल है दोस्तों, 15 अगस्त 2018 को शुरू होगा। और देखिए दोस्तों, बता दूँ, जो पराग्वे की कैपिटल है वो है असनसियन, और वहाँ की मुद्रा है गुरानी, ठीक है। तो राजधानी है असनसियन, मुद्रा गुरानी। तो हाल ही में पराग्वे के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? मारियो अब्दो बेंजिट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, 2018 की प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है? दोस्तों, 2018 की प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत जो है तो 138वें स्थान पर आया है, ठीक है। इसमें दोस्तों, शीर्ष स्थान प्राप्त किया वो नॉर्वे प्राप्त किया है, और सेकेंड नंबर पर स्वीडन है, थर्ड नंबर पर द नीदरलैंड, ठीक है। तो 2018 की विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक भारत 138वें नंबर पर। इससे पहले दोस्तों, 2017 में भारत की जो रैंकिंग थी वो थी 136, ठीक है। पिछले साल 2017 में 136 थी, इस साल दो स्थान नीचे हो गया है भारत। और दोस्तों, इस स्थान पर सबसे निचले स्थान पर, निचले पायदान पर वो उत्तर कोरिया, उसका 180वां स्थान है, ठीक है, उत्तर कोरिया। देखिए दोस्तों, जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक है, 180 देशों में मीडिया स्वतंत्रता के स्तर को मापता है, ठीक है, जिसमें बहुलवाद, मीडिया स्वतंत्रता, पर्यावरण और आत्म सेंसरशिप, कानूनी ढांचा, पारदर्शिता और बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता शामिल होती है। तो दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2018 की विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है? इसका आंसर है दोस्तों 138, ठीक है, और 2017 में 136 था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में हरिमा शक्ति सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच हुआ? तो दोस्तों, हाल ही में हरिमा शक्ति सैन्य अभ्यास जो है तो भारत और मलेशिया के बीच में संपन्न हुआ, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये जो भारत मलेशिया रक्षा सहयोग के चलते संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास हरिमा शक्ति मलेशिया के होलू लंगट सेंगई पेरडिक के घने जंगल में आयोजित किया गया। दोस्तों, इस अभ्यास का जो उद्देश्य था, दोनों देशों के सशस्त्र बलों के बीच सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देना, और जंगल इलाके में काउंटर विद्रोह अभियान के संचालन में दोनों दलों की विशेषज्ञता को साझा करना है। अब देखिए दोस्तों, आपको और बता दूं, जो मंगोलिया की राजधानी है वो है कुआलालंपुर, और मुद्रा है मलेशियाई रिंगिट, ठीक है। तो हाल ही में हरिमा शक्ति सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच हुआ? भारत तथा मलेशिया के बीच। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। मानव संसाधन मंत्रालय ने उन्नत भारत अभियान के कौन से संस्करण की शुरुआत की है? तो दोस्तों, मानव संसाधन मंत्रालय ने उन्नत अभियान के जो है तो दूसरे संस्करण की शुरुआत की है। कौन से दूसरे संस्करण? देखिए दोस्तों, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने उन्नत भारत अभियान को दूसरा संस्करण लॉन्च किया, जिसके अंतर्गत देश भर में 750 उच्च शिक्षा संस्थानों के छात्र गाँवों को अपनाएंगे और उन लोगों की जीवन शैली से परिचित होने और उनके सामने आने वाली समस्याओं से परिचित होने के लिए उनसे मुलाकात करेंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों, वर्तमान में भारत के मानव संसाधन मंत्री हैं केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री और प्रकाश जावड़ेकर जी हैं, ठीक है। तो मानव संसाधन मंत्रालय ने उन्नत भारत अभियान के कौन से संस्करण की शुरुआत की? दूसरे संस्करण की। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एनएसई ने सरकारी प्रतिभूतियों में खुदरा भागीदारी लाने के लिए किस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया? तो दोस्तों, एनएसई ने जो है तो सरकारी प्रतिभूतियों में खुदरा भागीदारी लाने के लिए जिस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया वो है ई जीसेक, ठीक है। देखिए दोस्तों, जो ई जीसेक है, ये भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों और ट्रेजरी बिल में गैर प्रतिस्पर्धी बोली लगाने की सुविधा के लिए इसको लॉन्च किया गया है। और दोस्तों, जो एनएसई है, मैं बता दूं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया 94 में परिचालन शुरू किया, और सेबी की वार्षिक रिपोर्ट के आधार पर 1995 से हर साल इक्विटी शेयरों के लिए कुल और औसत दैनिक कारोबार के मामले में भारत में सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है। और जो श्री अशोक चावला हैं, एनएसई के निदेशक मंडल के अध्यक्ष हैं, और श्री विक्रम लिनई एनएसई के प्रबंध निदेशक और सीईओ हैं।
तो एनएससी में सरकारी प्रतिभूतियों में खुदरा भागीदारी लाने के लिए इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया ई जी सेक का। अब देखिए दोस्तों, कल की जो क्विज का क्वेश्चन था उसका आंसर क्या है, तो मैंने कल क्वेश्चन पूछा था 100% नवीनकरणीय ऊर्जा संचालित होने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है, तो काफ़ी लोगों ने राइट आंसर दिया था। इसका आंसर दोस्तों दीव, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा 100% नवीनकरणीय ऊर्जा संचालित होने वाला भारत का पहला शहर दीव है। अब देख लेते हैं आज की जो क्विज है उसका क्वेश्चन क्या है, आप सभी को कमेंट करना है, मैं सभी कमेंट रीड करता हूँ, काफ़ी लोग राइट आंसर देते हैं। तो यदि आप लोगों ने हमारी पिछली वीडियोस देखी है करंट अफेयर्स की, तो आपको आंसर निश्चित रूप से आ रहा होगा। फॉर्च्यून पत्रिका द्वारा 2018 में विश्व के सबसे बड़े नेतृत्वकर्ता मुकेश अंबानी का कौन सा स्थान दिया गया, तो आपको इसमें रैंकिंग बतानी है। फॉर्च्यून पत्रिका द्वारा 2018 में विश्व के सबसे बड़े नेतृत्वकर्ता में मुकेश अंबानी को कौन सा स्थान दिया गया, ऑप्शन आपके सामने है 24वां, 23वां, 22वां, 21वां। सभी को कमेंट करना, मैं सभी कमेंट रीड करता हूँ, ठीक है। और वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपने कल की करंट अफेयर्स की वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ पे एक एंड स्क्रीन में भी एक भी ज़रूर देख लें, कल की करंट अफेयर्स की क्विज यहाँ पे रहेगी, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।